नहीं कहता कि इसकी कोई रुत अच्छी नहीं लगती, मगर सच है कि जो बीती है वो अच्छी नहीं लगती। इसी एक साल ने जितने दिए हैं दुख वो गिनने को कोई तकरीर या तहरीर भी कामिल नहीं लगती। मैं चेहरा सोच कर इस तफल का बस कांप उठता हूं जिसे परदेश में तनहा ये दुनिया खुश नहीं लगती, कि इसके बाप को और मां को फिर छीना था कुदरत ने करुणा की वबा शायद जो बच्चों को नहीं लगती। वगरना इस वीराने को तो वो बस छोड़ चाहता है कि बिन माँ बाप के सूरत कोई अच्छी नहीं लगती। कोरोना की वजह से एक और डॉक्टर की जान चली गई है, मसीहा तो फकर इंसानियत के कौम के भी है, हिफाजत जिनको लोगों की कभी भारी नहीं लगती। जो जाने बूझते डट कर खड़े थे कौम की खातिर, तो फिर उनको खुद अपनी जान क्या प्यारी नहीं लगती। सभी कूचे गली कस्बे मसाजिद और वो सड़कें हुए वीरान ये ऐसे कि अब बस्ती नहीं लगती। वो कैसे कैसे हीरे थे जो सब इस साल ने निकले, बयां कैसे करूं वो बात जो दिल को नहीं लगती। मशायक हों के लीडर और खिलाड़ी या मौलिम हों, अभी तक वहम होता है हकीकत तो नहीं लगती। जो बिछड़े तुमसे वो दरवेश वो इखलास के पैकर, तो दुनिया नेक लोगों से तुम्हें खाली नहीं लगती। कराची से खबर है जहां मॉडल कॉलोनी के इलाके में तैयारा गिरने की इतलात मौसूल हो रही है, अफसोसनाक खबर आ रही है। गिरा इस साल तैयारा भी फिर शहरे कराची में, वजह इन हादसों की तो पता अक्सर नहीं लगती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, हर तरफ पानी ही पानी है। हलाकत खेज बारिश ने तबाही ऐसी फैलाई कि पूरे शहर में अब शहर की हालत नहीं लगती। ये सब आफात उतरी हम पे इस एक साल में, लोगों निशानी इसमें मेरे रब की क्या तुमको नहीं लगती। सरे तस्लीम खम करके नई जोहतों पे चलना है कि मोमिन को तो रब के दर से मायूसी नहीं लगती। चलो दस्ते दुआ उस रब के आगे जोड़ लें अपने, अता करने में जिसको कोई भी तंगी नहीं लगती।